फ्रेंड्स हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ मिस्टर एंड मिसेस थपलिया। आल्सो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। तो अभी आ गई हूँ वापस से अपने सेकंड पार्ट में। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो अगर नहीं भी देखा होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ जा करके प्लीज़ देख लेना। और ये सेकंड पार्ट है, तो अभी जो नीचे वाले कैबिनेट है वो फर्स्ट पार्ट में हो गए थे क्लीन। अभी वो वीडियो हो गई थी उस दिन लेंथ थी, तो आज मैंने ये वीडियो अपलोड की है नेक्स्ट डे। तो ये भी काफ़ी लेंथी हो गई है, पर लेकिन ये मैंने नेक्स्ट डे अपलोड की है। तो सबसे पहले मैंने कैबिनेट ओपन करके इसके जितने भी बॉक्सेस डब्बे यहाँ पे रखे हुए थे उन सबको निकाल दिया नीचे, और कर दिया है एक कैबिनेट को खाली। और अभी दूसरे का नंबर है, फटाफट से स्पीड बढ़ा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसको भी कर देती हूँ मैं खाली। एक कैबिनेट जो मैंने खाली किया है, इसमें तो खाली एक ही पोर्शन है, मतलब कि एक ही पूरा एक ही है, और दूसरे वाले में दो खाने बना रखे हैं, दो पार्टीशन उसको कर रखा है। और ये वाला है खाली एक ही में है, और जो आप लोगों को ऊपर से दिख रही होंगी ये जैसे ऊपर से इसमें कुछ स्टेन टाइप्स, तो वो ऐसा हो रखा है कि हमारे घर में हो गए थे कॉकरोच, तो स्वामी ने क्या किया इसमें कॉकरोच मारने के लिए इसमें दवाई डाल दी है वो कॉकरोच वाली, तो वो हो गए हैं गंदे, तो उनको भी अभी करना है क्लीन। तो वो अजीब से दिख रहे होंगे, अब आप लोग बोलोगे कि पता नहीं कब से सफाई नहीं की है, तो नहीं ऐसा नहीं है, सफाई हो रखी है, पर फिर भी ऊपर हाथ जाता नहीं है। और बाकी उसमें कॉकरोच के लिए वो लगाई थी दवाई, तो वही है, तो बस अभी उन्हीं को क्लीन करने के लिए ही इसको खोला है। तो सबसे पहले मैंने एक सफा मतलब कि सूखा कपड़ा ले लिया है। सूखा कपड़ा क्या, मैंने तो एक जो नॉन वोवन जो पॉली बैग आता है मार्केट में जिसमें सब्जी आती है वेजिटेबल्स फ्रूट्स, तो वही मैंने कपड़ा पॉलीथीन ली है, और उसी को ही मैं ये डस्टबिन का कूड़ा कचरा उठाने वाले को ही यूज़ कर रही हूँ। और इसमें ये सारा कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ इस पॉलीथीन की हेल्प से, क्योंकि मैं अगर किचन का डस्टर यहाँ पर यूज़ करूँगी तो वो भी हो जाएगा ऐसे ही गंदा, तो फिर उसको धोने में हो जाएगी भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत। तो फिर मैं फटाफट से उस पॉली बैग से ही, क्योंकि अगर पॉली बैग गंदी भी हुई तो उसको फिर बाकी फेंक देंगे, तो फिर फटाफट से उस पॉली बैग से मैं इसको कर देती हूँ क्लीन। जितनी भी गंदगी है सब आ जाएगी इसी में, और फिर इसको इसमें उठा लूँगी कूड़ा उठाने वाले इसमें, और फिर उसके बाद इसको गीले कपड़े से करेंगे साफ़। तो अभी सूखे कपड़े से फटाफट कर लेते हैं। ऊपर क्या होता है कि मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है, मेरी हाइट थोड़ा छोटी, अभी आप देख ही रहे होंगे जैसे कि मैं ऊपर स्लैब में खड़ी हो रखी हूँ, और तब मैं इसको कर रही हूँ क्लीन। आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा, पर मैं स्लैब में खड़ी हो रखी हूँ, इतनी हाइट मेरी पहुँच नहीं पाती है, तो कभी कभी मैं यहाँ पे क्लीनिंग करती हूँ, डेली बेसिस में नहीं हो पाती है जैसे कि आप लोगों को बताया ही है मैंने। और वैसे भी मैं क्या कोई भी नहीं कर पाता होगा डेली बेसिस में तो इतनी डीप क्लीनिंग, ये तो कभी कभी हो पाती है मंथली बेसिस में, और या फिर 15 दिन में, या फिर 1-2 हफ्ते में मतलब। और फिर उसके बाद हो गई थी ये मेरी क्लीनिंग, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ जैसे आप लोग करते हैं क्लीनिंग, तो कुछ लोग करते भी हैं डेली बेसिस में, तो बस मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मेरे पास सिलाई का काम भी होता है, फिर उसके बाद मुझे अपनी शॉप में भी जाना होता है, और सुबह उठ के फटाफट से घर का काम निपटा के अपनी शॉप में भी जाना होता है, तो इसलिए मैं नहीं निपटा पाती हूँ उतना काम। तो मैंने फटाफट से आज ही करी हूँ डीप क्लीनिंग, और इसके बाद भी मुझको शॉप में जाना ही था, और तो मैं उतना ही आधा ही काम करूँगी, पूरा नहीं करूँगी, क्योंकि कभी कभी हो पाता है कि मैं शॉप से छुट्टी ले लेती हूँ और उसके बाद डीप क्लीनिंग करती हूँ घर की, और उसके बाद डीप क्लीनिंग करती हूँ घर की, क्योंकि ये होता है कि वहाँ भी जाना ज़रूरी है और घर का काम भी ज़रूरी है, तो मैं इसलिए क्या करती हूँ कभी कभी वहाँ जाने में लेट कर देती हूँ, और फिर अपना थोड़ा बहुत घर का डीप क्लीनिंग निपटा के हल्के बहुत, और फिर अगले दिन के लिए बचा देती हूँ, जैसे आज थोड़ा कर ली अगले दिन थोड़ा कर ली, तो ऐसे सोच के मैं कर लेती हूँ अपनी डीप क्लीनिंग, और ऐसे मेरा काम भी निपट जाता है, और एक दिन में मुझे छुट्टी लेके इतना लोड नहीं पड़ता है ये क्लीनिंग व्लीनिंग करने का।
तो आज भी मैं वैसा ही कर रही हूँ कि फटाफट से अपनी डीप क्लीनिंग थोड़ा बहुत निपटा दूंगी और कुछ अगले दिन के लिए छोड़ दूंगी और फिर फटाफट से अपनी आज आज की थोड़ा बहुत करूँगी। तो अभी वही कर रही हूँ मैं। और सबसे पहले मैंने मतलब कि एक सूखे कपड़े से किया, मतलब ये पॉली बैग जो मैं बोल रही हूँ नॉन वोवन, और जब उससे क्लीनिंग हो गई मतलब कि पूरा कूड़ा उड़ गया है, फिर उसके बाद मैंने लिया है ये ग्रीन वाला स्क्रबर जो आता है बोथ साइड से, येलो और ग्रीन वाला। तो फिर मैंने उसको हल्का सा पानी में डिप करके हल्का सा निचोड़ लिया है, फिर उसके बाद मैं उससे कर रही हूँ यहाँ पे क्लीनिंग। थोड़ा ग्रीन वाली साइड से इसको हल्का हल्का रगड़ देती हूँ। हमारे पास स्टील वाला भी है वैसे जूना, जिससे बर्तन धोते हैं, पर स्टील वाले से यहाँ पे स्क्रैच आ जाएंगे। और यहाँ पे ये मैं आपको बता देती हूँ, पेंट हो रखा है सिल्वर कलर का, जो ये इतना शाइनी हो रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, इसलिए मैं नहीं रगड़ रही हूँ क्योंकि स्क्रैच आ जाएंगे। तो बस इसी, पहले मैंने वो स्क्रबर से उसको अच्छे से रगड़ा तो नहीं हो पाया वो, और फिर उसके बाद मैंने उसी पॉली वाला बैग है जो नॉन वोवन वाला, उसको मैंने हल्का सा गीला कर लिया था पानी में, और फिर उसको निचोड़ के हल्का वाला सूखा और हल्का गीला टाइप्स, तो उसी से मैं कर रही हूँ क्लीन। पर हो गया तो बस हो गया था ये सब पूरा क्लीन। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को एक बार ट्राईपॉड में फ़ोन रख कर के आपको दिखा देती हूँ ऊपर से नीचे से भी। और ऊपर वो गंदा नहीं है, वो था वुडन, वहाँ पर कलर नहीं हो रखा था तो वहाँ पे थोड़ा धूल जम गई थी, बस वो मैंने क्लीन की और ऊपर गंदा नहीं हो रखा है, उसका कलर ही वैसा है। आप लोगों को वहाँ पे वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखा होगा, पर वो गंदा नहीं था, वुडन कलर ही था। और फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दिया है, वो क्लीन हो गया है। बॉक्सेस जो डब्बे मैंने नीचे रखे हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं, उनको भी करूँगी अब क्लीन। पहले मैंने सोचा इन सबको धो दूँगी वॉश पर, लेकिन फिर उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी मैं देख रही थी कैमरे की साइड में कि वीडियो बन रही है कि कहीं बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि आजकल मेरे फ़ोन में थोड़ा दिक्कत आ गई थी, पता नहीं क्या हुआ है इसमें। तो जैसे वीडियो बना रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ, एक दो मिनट की वीडियो बन रही है, फिर उसके बाद क्लिप अपने आप ही ऑफ हो जा रही है, पता नहीं चल रहा है कैसे। तो मुझे उसकी सेटिंग उतनी पता नहीं है, तो फिर मैंने सोचा था फ़ोन को रीसेट मारूंगी, पर बहुत सारी इसमें क्लिप्स पड़ी थी तो मैं थोड़ा घबरा रही हूँ रीसेट मारने में, फिर मेरा सब कुछ इससे चले जाएगा, एडिटिंग ऐप और जो कुछ भी है। तो मैं अभी रीसेट भी नहीं मार रही हूँ, सोच रही हूँ ऐसे ही काम चलाती हूँ जब तक चल रहा है, फिर बाद में अभी देखती हूँ जो शिवम ठीक करेगा शायद। तो बस इतनी सारी गप्पे मारने के बाद और अपनी दुख भरी दास्ता सुनाने के बाद मैं आपको बता देती हूँ, मैंने डब्बे सारे निकाल दिए, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। जो नीचे वाला इसका कैबिनेट है, इससे भी मैंने सारे इसके डब्बे निकाल दिए हैं, और इसको भी मैंने वो पॉली वाले बैग से साफ कर रही हूँ, उसका ऊपर वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट तो वैसे हो ही जाता है हमारा वीकली बेसिस में क्लीन, क्योंकि यहाँ पे तो मसाले मसाले रिफ़िल होते हैं और ये खुला भी रहता है ओपन पार्ट, तो यहाँ पे हल्का धूल जम जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए मैं ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ, मतलब पूरा उतना अच्छे से भी नहीं, हल्का हल्का बॉक्सेस ये डब्बे डब्बे उठा करके और बड़ा बड़ा क्लीन करके हो जाता है, उतना नहीं पता चलता है उसमें, और उतना गंदा भी नहीं होता क्योंकि इसमें ये सिल्वर कलर हो रखा है तो इसलिए वो अच्छा दिखता है, शाइनी भी है। तो वैसे इसमें सिल्वर कलर पहले से हुआ हुआ नहीं था, ये किया है स्वामी ने, पता नहीं पहले कैसा कलर था मुझे भी नहीं पता, जब मेरी शादी हुई थी तो ये ऐसा ही था, तो इससे पहले का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो जितना मुझे था मैंने आपको उतना ही बताया है, बाकी ये सब हो गया था। तो बाकी जिसने फर्स्ट पार्ट देखा होगा उसको पता होगा कि जग में मैंने डाला है जो फिनाइल का दूसरा एजेंट होता है, ये भी क्लीनिंग एजेंट होता है, तो वो मैंने ख़रीदा था अपने दोस्त से, तो ये भी अच्छा होता है, ये किचन क्लीनिंग का है, तो मैंने इसमें डाला हुआ है ताकि जो छोटे मोटे कीटाणु होते हैं जो भी बोलते हैं उनको बैक्टीरिया, वो वहाँ पे सरफेस में ना रहें और क्लीन हो जाए और वहाँ पे हो जाए साफ। तो बस कैमरा वापस से मैंने सेट कर दिया है ट्राईपॉड में और अब मैं चढ़ गई हूँ वापस से स्लैब में और कर रही हूँ उससे क्लीन। क्लीन तो ऑलरेडी हो रखा है, बस इससे थोड़ा हल्की वहाँ पर इसकी सुगंध वहाँ पर डाल रही हूँ ताकि वहाँ पर कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स ना आ सकें। इंसेक्ट्स तो नहीं बोलेंगे उनको, बोलेंगे हम बैक्टीरिया, पता नहीं अब जो भी बोलेंगे होते हैं वो छोटे मोटे कीटाणु वो जो रह जाते हैं वो सब हो जाएंगे अब इससे क्लीन, फिर उसके बाद अच्छा हो जाएगा यहाँ पर इसको खुशबूदार बना के जो बॉक्स डब्बे हैं उन सबको रख देंगे यहाँ पर। तो फटाफट से करती हूँ क्लीनिंग स्पीड बढ़ाते हुए। तो ये फाइनल लुक मैंने आप लोगों को दिखा दिया है ऊपर वाले कैबिनेट का और नीचे वाले का भी, तो ये हो गई है ये क्लीनिंग हमारी डन। और ये बॉक्सेस डब्बे मैं सोच रही थी इनको वॉश कर देती हूँ, इनकी धुलाई,
तो मैंने उससे पहले किया हुआ था फ्लैश लाइट ऑन, तो अच्छा नहीं आ रहा था, पूरा ब्लर ब्लर टाइप का आ रहा था, तो मैंने फ्लैश लाइट ऑफ करके अब दिखाया है, अब अच्छा आ रहा है। तो पहले मैंने सोचा इन बॉक्सेस को, डब्बे को धो दूंगी, पर फिर मैंने सोचा ये तो अंदर ही रहते हैं तो गंदे नहीं हुए होंगे, तो फिर मैंने ऐसी हल्के गीले कपड़े से, वेट कपड़े से, ये किचन डस्टर है जो, इसी से मैंने फटाफट फटाफट मार के इनको साफ़ कर दिया था। वैसे ही साफ़ हो गए थे, और जो धोने वाले डब्बे थे खाली पड़े थे, जैसे ये अचार का है और दो अचार के डब्बे थे, वो अचार हो गए थे ख़त्म। तो फिर उनका क्या करना था बॉक्सेस का, तो वो मैंने रख दिए थे धोने के लिए अलग साइड में, हालांकि वो मैंने धोई नहीं थे क्योंकि हो गई थी मुझको लेट और मैं चले गई थी, डब्बे वहीं पर ही रख गए थे और आज भी वहीं पर ही हैं। तो अब जब धुलेंगे अभी तभी दिखेंगे शायद वीडियो में, और बाकी के जितने भी मसाले वाले बॉक्सेस है डब्बे, और उनको भी मैंने कर दिया था साफ़, और दाल वाले और जो कुछ भी थे सब कुछ मैंने साफ़ करके मैंने सोचा फटाफट से लगा देती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया था ज़्यादा और हो गई थी लेट, और फिर अभी इनको भी देना था खाना क्योंकि इन्होंने किया नहीं था अभी नाश्ता। तो मैंने तो पहले ही एक रोटी खा ली थी, फिर उसके बाद ही मैंने काम स्टार्ट किया था क्योंकि भूखे पेट तो काम होता नहीं है, तो फिर मैंने पहले ही खाना खा लिया था थोड़ा सा, क्योंकि मेरी आदत है सुबह उठ के खाना खाने की, मतलब सुबह उठते ही नहीं, पहले उठो फिर बनाओ फिर खाती हूँ, पर हो जाता है वही टाइम। तो बस तो ये भी उठ गए, मतलब कि उठ ही गए थे, और फिर आरती वारती कर ली थी, तो आरती करने के बाद ये एक बार फिर से लेट गए थे, तो फिर अभी उठे हैं, तो इन्होंने बोला कि अब दे दे मुझको भी खाना, और नब्बू और रुद्रू भी आ रखे हैं, तो उन लोगों के लिए भी खाना बनाती हूँ फटाफट से। अपने बॉक्सेस क्लीन व्लीन करके उनको रख देती हूँ अभी ऊपर, ये देखिए जितनी इसमें एक दो बॉक्सेस में थी जो थोड़ा डस्ट थी, बाकी तो पूरे क्लीन ही थे ये साफ़। और ये हैं धोने वाले डब्बे, और बाकी मैंने ये जितने भी साफ़ डब्बे कर दिए थे उन सबको लगा दिया था यहाँ पे। इस साइड में हम लगाते हैं चीनी, चाय पत्ती और थोड़े बहुत मसाला वसाला वाले, और दूसरी साइड है वहाँ पे रहती है हमारी मोटी दाल और पतली दाल, जितनी भी हमारे पास दालें रहती हैं वो दाल के डब्बे। वैसे यूजुअली हमारे पास मोटी ही दाल रहती है, पतली दाल हम लाते नहीं है सिवाय अरहर के। अरहर भी हमारी मतलब महीने में एक या दो बार बनती होगी, बाकी हमारी मोटी दाल ही बनती है। हमारा जैसे रिसाइकलिंग मेन्यू नहीं होता स्कूल में और हॉस्टल में, वैसे ही हमारा सिस्टम हो रखा है। अरहर वो सॉरी, जैसे आज अरहर बनाएंगे, अगले दिन राजमा, फिर छोले, फिर चने, और फिर वापस से अरहर, राजमा, छोले, चने। और अरहर तो हमारा वैसे कम ही बनता है क्योंकि इनको पसंद नहीं है और स्वामी को भी ज़्यादा पसंद नहीं है अरहर, पर मोटी दाल तो बनी जाती है। इन लोगों को ज़्यादातर मोटी की दाल पसंद है, मतलब इन लोगों को क्या, मुझे भी पसंद ही है, पर मैं उतना, मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब डेली वही चाहिए या कुछ, मैं तो कुछ भी खा ही लेती हूँ। वैसे स्वामी भी खा लेती हूँ, स्वामी का सिस्टम भी ऐसा कुछ नहीं है तो, पर अरहर तो खैर दोनों को ही पसंद नहीं है उनको, मैं तो वो भी खा लेती हूँ, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है अरहर से भी। और हाँ डेली डेली नहीं खाई जाती है ये बात है, पर लेकिन कभी कभी तो चलो खा ही लेते हैं। और बाकी अब मैंने नीचे वाले कैबिनेट में रख दिया था अपना जितने भी मसाले थे, नमक मिर्च हल्दी वल्दी वाले, मतलब कि नमक मिर्च वाले तो हमारे जहाँ दाल रहती है उसी के ऊपर वाले, उसमें पार्ट पोर्शन में हमारे नमक मिर्च वाले बॉक्सेस भी डब्बे भी आ जाते हैं। और बाकी उसके बगल वाले में हमारा जो ऊपर वाला है उसी में चीनी, चाय पत्ती और छोटे मोटे जैसे काली मिर्च और ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, वो सब के डब्बे हैं वो आते हैं वहाँ पर। और जो नीचे वाला है वहाँ पर हमारी आती है देगी मिर्च, जीरा और मसाला, ये सब आता है। और जो छोटा मोटा मसाले होते हैं तड़का लगाने वाला, जैसे मेथी और जखिया, ये सब सामान हमारा नीचे वाले कैबिनेट में। और उसके अलावा मैंने अभी आपको वो ढक्कन में दिखाया था रबड़ बैंड जो आते हैं गोल गप्पे, या हम दूध दही लेके आते हैं मार्केट से तो उसमें आते हैं वो रबड़ बैंड, तो रबड़ बैंड मैंने सारे इकट्ठे करके रखे हैं उस ढक्कन में। वो पता नहीं किसी बॉटल या किसी डब्बे का ढक्कन था, वो तो कुछ है नहीं बच रखा डब्बा या बॉटल, अभी वो ढक्कन ही ढक्कन था खाली, तो कहाँ फेंकना था, तो मैंने उसमें उसे रीयूजेबल बना दिया है, उसमें रख दिया है मैंने रबड़ बैंड, ताकि एक जगह में मिल भी जाए और इधर उधर रखने से खो भी जाते हैं। कभी कोई पैकेट खोल दो और वापस से रखना हो उसको, तो उसमें रबड़ बैंड लगा के रख दो, तो उसमें वो भी एयर टाइट हो जाता है, उसमें हवा नहीं जाती है तो ख़राब नहीं होता सामान, तो रबड़ बैंड रखने से ये फ़ायदा होता है। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि चुटिया का रबड़ खो जाए, तो आप हेयर को मतलब कि चुटिया बांधने में भी इस्तेमाल कर सकते हो उस रबड़ को। तो बस फिर अभी इन लोगों ने बोला, मतलब इन्होंने बोला कि चाय वाय बना दे भाई, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, इतनी देर से तूने बिठा रखा है और चाय नहीं लेके आ रही है, तो अभी बना रही हूँ मैं चाय।
इनके लिए भी बनाऊंगी और अपने लिए भी बनाऊंगी, और नब्बू रुद्रू भी आए हुए हैं तो उन लोगों के लिए भी बनाऊंगी। तो फटाफट से धो देती हूँ चाय वाले बर्तन और फिर उसके बाद बनाती हूँ चाय, और फिर उसके बाद सोचती हूँ खाना भी अभी दे देती हूँ, फिर फटाफट से निपटे रहेंगे और फिर अपना काम भी फटाफट निपटा सकती हूँ। तो बस अब ये बर्तन मेरे धुल गए हैं, ये है नब्बू रुद्रू और ये मैंने फेंक दिया था कूड़े में, तो ये रुद्रू इसको देख रहा है ये क्या है। ये चॉपर था, ये चॉपर पहले स्वामी लोग लेके आए थे जो बड़े वाले हैं, और जो छोटे वाले पंख जैसे दिख रहे हैं ब्लेड, तो वो छोटे वाला बाद में लेके आए थे मेरे टाइम पर ये दोनों चॉपर हो गए थे ख़राब, तो अभी ये किसी काम के नहीं है। तो अभी मैं इनको फेंक रही हूँ और जो फेंकने वाला सामान है वो है, तो अभी ये देख रहे हैं इस सबको। तो बस चाय मैंने इनको दे दी है और ख़ुद को भी पी ली है, तो फिर अब मैं नाश्ता भी इनको दे देती हूँ तैयार करके फटाफट से। तो ये दाल थी बची हुई रात वाली ही और मैं इसको कर रही हूँ गरम। तो वैसे जो मेरे हस्बैंड हैं इनके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है खाने वाने की, क्योंकि ये सुबह के नाश्ते के लिए बस रात के खाने की होती है जब इनको मोटी दाल चाहिए होती है, बाकी वैसे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, भिगाओ फटाफट से बन जाती है, इतनी भी कोई वो नहीं रहती है। बाकी उसके अलावा मतलब सुबह नाश्ते में इनकी कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब सब्ज़ी बना या ऐसा वाला खाना बना, तो जो भी रात की दाल वाल बची रहती है उसके साथ दे दो, ये आराम से खा लेते हैं क्योंकि इनको दाल ही ज़्यादा पसंद है, सब्ज़ी वैसे भी इनको पसंद नहीं है, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है सब्ज़ी वब्जी बनाने की। और जब ये दाल में खा लेते तो अपने लिए कौन बनाएगा सब्ज़ी, इसलिए मैं भी उसी में खा लेती हूँ। तो बस अभी ये मैंने दाल कर दिया है गरम, और एक तरफ ये मैंने जो अपने लिए रोटी बनाई थी तो इनके लिए भी मैंने तभी बना दी थी, तो अभी उन रोटी को भी मैं तेल लगा के सेक देती हूँ। इन्होंने बोला कि तेल लगा के रोटी देना मेरे को सेक के थोड़ा कड़क करके, तो बस गर्म तो करनी ही थी तो मैंने तेल भी उसमें लगा दिया है। तो अभी होगी है ये रोटी भी फटाफट से गर्म, मतलब सिक जाएगी, फिर उसके बाद इनको दे दूँगी मैं ये नाश्ता खाना जो भी होगा लंच ब्रंच। तो फिर फटाफट से होगी, अब हमारी दाल भी गर्म, निकाल देती हूँ कटोरी में। तो नब्बू और रुद्रू भी थे वैसे, तो वो दोनों खा करके आए थे, उन लोगों के लिए खाना बना के उनकी दादी लोगों ने उनको खिला दिया था, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत खा लेंगे अपने भैया के साथ टेस्ट करने के लिए। तो अभी सर्व कर देती हूँ मैं फटाफट से खाना तो तीनों के लिए। तो नब्बू अभी यहाँ पे खड़ी होकर देख रही है कि खाना बन गया है, मतलब निकाल दिया है, तो मैं ले जा लेती हूँ, ले जाने के लिए यहाँ पे खड़ी हो रखी है। तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट से कर दिया है सर्व, और अभी मैं कुछ एक वो थाली ले जाएगी, बाकी दो थाली मैं लेके चले जाऊंगी। तो एक एक बार एक एक रोटी मैं उन लोगों को दे करके आ गई हूँ, बाकी अभी बना रही हूँ बाकी ताजी, और फिर उसके बाद मेरा तेल भी हो गया था यहाँ पे रिफाइंड ख़त्म, तो रिफाइंड मैंने और डाल दिया है, और इतनी कड़क रोटी कर दी है ये इनके लिए, ये ऐसी कड़कड़ी वाली रोटी खाते हैं पापड़। तो ये मैंने एक एक और बना दी है सबके लिए, दो एक एक नब्बू रुद्रू के लिए और इनके लिए, इनकी मैं दे करके आ गई कड़कड़ी वाली रोटी और दाल और रिफिल करके आ गई हूँ, ये इनकी चटनी रखी हुई। और नब्बू रुद्रू को मैं बेकार में दे करके आ गई, पर उन्होंने खाई नहीं, बेकार में इसलिए कि उन्होंने खाई नहीं, वो हो गई थी वेस्ट, उन्होंने छोड़ दी थी क्योंकि एक एक ही खाई, वो पहले से खा के आए हुए थे खाना, उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर खिला दिया था इन्होंने। और उसके बाद मैंने अपने लिए बना दी है रोटी, मैं नहीं खाऊंगी ये पराठे क्योंकि पराठे गर्मी में पराठे खा के और ज़्यादा प्यास लगती है, तो अभी मैं अपने लिए रोटी बना लेती हूँ दो, और फिर उसके बाद अपना काम निपटा के फिर खाऊंगी मैं अपनी रोटी। तो मैंने अपने लिए दो रोटी बना दी है, और ये था जैनी लायला का भात जो कि हो गया है ठंडा, और ये आलू चावल जो उनके लिए बनाए थे, और इसमें अब मैं डाल दूँगी दाल, ये देखिए पूरा हो गया है ठंडा अच्छे से। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करके ये इसमें मैंने डाल दिया है दूध, और एक गिलास दूध डाला, अभी दाल तो शायद थी नहीं, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा था पहले दाल डालूँगी क्योंकि रात वाली दाल जो होती है वही हम इसमें मिक्स करते हैं। तो अभी अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है मैंने, पर इस बार दाल नहीं डाल के दूध डाला है, कभी कभी उनको दूध में देते हैं भात, कभी कभी दाल में देते हैं जो रात की दाल बची होती है। तो फिर उसके बाद अब मैं लेके चले गई हूँ ये खाना इन दोनों को देने के लिए, फिर हो रही हम लोगों को लेट, तो हम जाएंगे अपनी शॉप के लिए भी। तो फटाफट से अभी दे देती हूँ जैनी को, ये देखो जैनी कैसे लेट के वहीं से देख रहा है, और लायला को तो बहुत ही जल्दी है खाने की, तो लायला अपने खाने के लिए देख रहा है कि कब आएगी नीचे और मेरी थाली में देगी। और फिर ये जैनी को मैंने दे दिया है खाना, पर जैनी को अपने खाने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही देखा और बस हाँ डाल दो मेरी थाली में ऐसे कह रहा है, और फिर उसके बाद वापस से सो गया है क्योंकि उसको चावल उतना पसंद नहीं है, बस उसको फेवरेट है रोटी, तो रोटी के लिए ही वो लालच करता है। बाकी ये लायला है, ये लायला को चावल ही ज़्यादा पसंद है, रोटी इसको पसंद नहीं है। तो अब इसको मैंने दे दिया है खाना, और जब इसको ईट बोलेंगे तब भी खाएगा, उससे पहले ये मेरे मुँह में देखता रहेगा कि क्या बोल दिए खाने के लिए, बोल फटाफट।
तो बस इस लाइला को भी बोल दिया है अभी ईट, और ये खा रहा है अपना खाना मजे से। अभी रोटी होती तो रोटी शायद नहीं खाता, क्योंकि उसको रोटी ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये जैनी तो यहाँ ऐसे सो रखा है आराम से, घोड़े गधे बेच के इसको नहीं खाना था चावल। तो बस अब चले गई हूँ मैं अंदर, देख रहे होंगे आप नीचे मैंने कितना कचरा फैला रखा है, क्योंकि अभी करनी है सफाई। और बाकी ये बर्तन भी हो गए इतना सारा ढेर अभी धोने के लिए, तो अभी इनको भी धोऊंगी पहले फटाफट से। बाकी ये जितने बर्तन हैं इनको धो देती हूँ और फिर करूँगी बाकी की सफाई, जो ये कुकर है फटाफट से, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, अभी तो ये थोड़ा गीला है तो फटाफट से साफ़ हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो फिर ये सूख जाएगा, फिर फटाफट से साफ़ नहीं हो पाएगा। तो मैं बर्तन फटाफट से धो के फिर बाकी के काम निपटाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे धोते हैं अपने बर्तन? मैं तो ऐसे करती हूँ कि पहले जो जूठे बर्तन हैं उनको धो करके पहले अलग रख देती हूँ, फिर सिंक को क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद इन बर्तनों को मांझ के तब रख देती हूँ सिंक में, फिर उसके बाद धोती हूँ। क्योंकि जो जूठे बर्तन होते हैं वो स्क्रबर से धोने के बाद वो स्क्रबर भी ख़राब हो जाता है, मतलब जूठे जूठन लग जाती है उसमें भी, फिर उसको भी धोना पड़ता है, और बाकी बर्तन भी उससे धो लो तो वो भी जूठे हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही धोती हूँ। आप लोग कैसे धोते हो मुझे कमेंट करके आप लोग भी अपने बर्तन धोने का स्टाइल बता सकते हो। बाकी मैंने अपने बर्तन धुल दिए हैं, एक दिन मैं चाय छानने वाली छलने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताऊँगी, वो कैसे साफ़ और बिल्कुल सही रखें। जो लोहे वाली ये स्टील वाली छलनी होती है ये ख़राब हो जाती है, कई लोगों की साफ़ नहीं हो पाती छलनी अच्छे से, तो इसके लिए भी मैं आपको हैक बताऊंगी एक दिन। तो बाकी मेरे बर्तन बातों बातों में हो गए हैं क्लीन, ये आपको दिखा दिया है मैंने पूरा लुक आपको, और सिंक भी हो गई है क्लीन, और ये हमारी है खिड़की और इसको भी मैंने कर दिया है क्लीन, और ये मेरा गैस भी हो रखा है यहाँ पे, मैंने जो खाना बनाया था उससे हो गया था हल्का गंदा, तो इसको धो दूँगी। धोने के जो गैस का जो स्टैंड था इसको मैंने रख दिया था भिगाने के लिए, जितनी देर में गैस साफ़ होता है उतनी देर में वो स्टैंड भी हो जाएगा वहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट, फिर वो फटाफट से धुल जाएगा, तो तब मैं उसको अच्छे से धुल दूंगी। और बाकी अभी मैं इसके आगे का पार्ट थर्ड पार्ट में आपको कल अपलोड कर दूंगी, आप लोग कल देख लेना। सेकंड पार्ट को मैं यहीं पर ही एंड कर देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे इतनी बड़ी वीडियो देखते देखते, तो इसका थर्ड पार्ट कल देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।